गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हिंदी में हम कर रहे हैं कहानी नंबर 8, जिसका नाम है बंदर बांट। हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके कठिन शब्द भी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम पेज नंबर 69 के ऊपर, जो इसकी पुस्तक अभ्यास माला दी गई है, आज हम ये करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपको, ये प्रश्न उत्तर लड़ाई झगड़े के ऊपर हमें ये कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हमें इनके आंसर जो हैं वो बताने हैं। पहला है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो आपको पता है कि जब भी हमारा किसी से झगड़ा होता है तो कोई ना कोई बात तो होती है, ठीक है, कोई ना कोई मैटर होता है जिसके रिगार्डिंग हमारी लड़ाई होती है, ठीक है। कभी हम खिलौनों के लिए लड़ते हैं, कभी हम कोई खाने वाली चीज़ के लिए लड़ते हैं, कभी जब हमें कोई तंग करता है हम तब लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई बात होती है, इसीलिए हमारी लड़ाई हो जाती है। तो इसी तरह जो दोनों बिल्लियाँ थी, उनके आपस में लड़ाई झगड़े की जड़ क्या थी, मतलब रीज़न क्या था उसका। तो इसका आंसर क्या है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, एक रोटी का टुकड़ा। रोटी के टुकड़े के लिए वो लड़ रही थी, वो कह रही थी ये मेरा टुकड़ा है, और सफ़ेद बिल्ली कह रही थी ये मेरा टुकड़ा है। तो दोनों बिल्लियां आपस में एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो हमें पता है, हमने कहानी पढ़ी है, क्या होता है वहाँ पर एक बंदर आता है, बंदर उन रोटियों के दो टुकड़े करता है, फिर वो कहता है पलड़े में, जो तराजू का पलड़ा होता है, दोनों साइड रखता है, कभी एक टुकड़ा बड़ा हो जाता है, वो बोलता है इसमें रोटी ज़्यादा है, वो थोड़ी सी तोड़ के खा लेता है, ठीक है। फिर वो बोलता है दूसरे टुकड़े में ज़्यादा है, फिर वो उसमें से तोड़ के खा लेता है। तो ऐसे करते करते वो अपनी चालाकी से रोटी के टुकड़े जो दोनों हैं वो खा लेता है, ठीक है, और रोटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो झगड़े की जो वजह थी, झगड़े का जो कारण था, रोटी का टुकड़ा, वो ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। तो दोनों बिल्लियाँ उदास होकर रह जाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इसी तरह से झगड़ा जो था वो रोटी के टुकड़े के लिए था, और टुकड़ा ख़त्म होते ही झगड़ा ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर क्या है, बंदर ने चालाकी से सारी रोटी खा ली और झगड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो हमें बताना है कि किस किस के साथ हमारी लड़ाई अक्सर होती है। तो ऑब्वियसली हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ, कज़न्स के साथ हमारी लड़ाई होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, भाई बहन के साथ या बहन भाई के साथ, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सारी लाइंस में लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हमारा झगड़ा होता है तो हम चीज़ें फेंक देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को फेंक देता हूँ, कोई भी चीज़ वहाँ पे पड़ी होती है उसे उठा के इधर उधर फेंक देता हूँ, बाल पकड़ लेता हूँ, मतलब लड़ाई झगड़े में एक दूसरे की हाथापाई होती है जब, तो एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं बच्चे। आप कुछ भी लिख सकते हो कि पिटाई करता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है, तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। यहाँ पे है आएगा, तुम्हारा फैसला कौन करवाता है, ठीक है। तो जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हमारा फैसला कौन करवाता है। घर में भी क्या होता है, पापा क्या करते हैं या मम्मी क्या करती हैं, दोनों भाई बहन को एक साथ बुला के बोलते हैं कि अब सॉरी बोलो एक दूसरे को, ठीक है, अब दोबारा लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे को माफ़ कर दो, प्यार से रहो। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, हमारा जो फैसला है वो कौन करवाता है, पिताजी और माताजी, ठीक है। इसका आंसर भी आप कुछ भी लिख सकते हो कि दादी हमारा फैसला करवाती हैं या बड़ी दीदी हमारा फैसला करवाती है, ठीक है। तो आज का आपका क्या काम है, आपने ये पांचों क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक में टॉप पे दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है बच्चे। दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास वर्क फॉर हिंदी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।